हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का जो एग्जाम अभी हो चुका है उसके बारे में, रिजल्ट जो है वो कब तक आउट हो सकता है और रिजल्ट जो है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है उसके बारे में कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो चुका था। पहले भी एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था। लेकिन फाइनली अभी 12 जुलाई से लेकर आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका था और 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में सभी कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिए गए हैं एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन गाइस, अभी जो रिज़ल्ट है उसी के लिए सभी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। रिज़ल्ट जो है गाइस, अगर आप पिछले साल का देखें, पिछले साल का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था एक्सपायर ग्रुप के लिए वो 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में हो चुका था। यानी कि 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिया गया था और रिज़ल्ट जो है वो 26 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15-16 डेज में जो है वो रिजल्ट आउट हो गया था पिछले साल में। अगर आप देखें तो 15-16 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अगर हम इस साल भी देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 12-18 जुलाई के बीच में हो चुका है। 12-18 जुलाई के बीच में अगर इस साल आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आपका रिजल्ट जो है वो 101% 15-16 डेज में आउट होने वाला है। अगर गाइज आपको पिछले साल का रिजल्ट देखना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि आप इंडियन एयरफोर्स का जो पिछले साल का एग्ज़ाम है वो 19 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में होने वाला था लेकिन कोविड-19 की वजह से 4 नवंबर to 8 नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया गया था एयरफोर्स की तरफ से और जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट था वो भी 26 नवंबर ही था। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो इस साल का रिजल्ट है वो भी अगर 15-16 डेज में आउट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के मंथ में ही आउट हो सकता है। यानी कि अगस्त के 4 to 5 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का वो आउट होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इस साल लग रही है। अगर 4 to 5 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो आउट नहीं होता है तो फर्स्ट जो वीक है अगस्त का उसमें या फिर सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो 101% आउट होने की संभावना है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप के लिए तो उन्हें अभी ज़्यादा वेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 15-16 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो आउट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 अगस्त नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर सेकंड वीक ऑफ अगस्त, इसके बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। और जब भी गाइज आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। और गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आउट हो सकता है, किस दिन तक आउट हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने भी एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का एग्जाम दिया है उन तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नेक्स्ट अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।